कंसेप्ट ऑफ कनेक्टिंग कंटेनर। मान लीजिए यहां पर आपको दिया हुआ है प्रेशर पी वन वी वन टी वन वॉल्यूम, प्रेशर पी टू वॉल्यूम वी टू टेम्परेचर टी टू। समझ में आ रहा है? तो हम कुछ केस कर रहे हैं, केस स्टडी। केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। तो ये केस स्टडी है क्या, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए दो कंटेनर है, जिसमें एक छोटा कंटेनर है जिसका नाम फर्स्ट है और एक बड़ा कंटेनर है जिसका नाम सेकंड है। जो फर्स्ट कंटेनर है उसमें प्रेशर पी वन वी वन टी वन कंडीशन दी गई है, और जो सेकंड है वो पी टू वी टू टी टू है। एक बहुत ही थिन नैरो ट्यूब से दोनों कनेक्ट है, बीच में वॉल है, और अभी तक दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है जब तक वॉल लगा हुआ है। लेकिन अचानक किसी ने वॉल निकाल दिया, अगर वॉल निकाल दिया तो क्या होगा? तो हमें क्या निकालना है कि पूरे कंटेनर में क्या होगा अगर वॉल हटा दिया जाए। तो ये हमें केस स्टडी करना है टोटल। इसमें कंडीशन ये दी गई है फर्स्ट कि अगर टी वन इज इक्वल टू टी टू दिया गया है तो फाइनल कंडीशंस में हमें क्या प्रेशर और क्या वॉल्यूम मिलेगा वो हमें बताना है। तो देखिए ध्यान से, जैसे वॉल निकाल दिया तो मान लीजिए यहां पर एन वन मोल है, यहां एन टू मोल है, तो आप ऐसा बोल सकते हो इस जगह एन टोटल इक्वल टू क्या बोल सकते हो, एन वन प्लस एन टू बोल सकते हो, बोल सकते हो एन टोटल इक्वल टू यही लगेगा आपके लिए गैसेस से। और एन वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी वन वी वन अपॉन आर टी वन प्लस पी टू वी टू अपॉन आर टी टू, और एन टोटल क्या हो जाएगा आपके पास, पी रिजल्टेंट, पी आर का मतलब रिजल्टेंट, वी वी वन प्लस वी टू हो जाएगा आर टी, क्योंकि टेम्परेचर सेम है टी वन टी वन, तो टेम्परेचर सेम रखने की वजह से हम सब जगह टी ही लिखेंगे, कोई चेंजेस नहीं हो रहा। तो आपके पास नेट पी रिजल्टेंट क्या होगा, आर फोर रिजल्टेंट, या इसको बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम प्रेशर, क्या हो जाएगा पी वन वी वन प्लस पी टू वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू, आर टी क्रॉस हो जाएगा, ये सब जगह आर टी क्रॉस हो चुका है। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? इजी है, कोई ज्यादा खास दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर टेम्परेचर सेम नहीं हुआ तो यहां दे रखा है इफ टी वन इज नॉट इक्वल टू टी टू बट सेम गैस आर प्रेजेंट, सेम गैस आर प्रेजेंट, यानी जी वन इक्वल टू जी टू, जो यहां पर गैस है वो जी वन है, यहां जी टू गैस है, और जी वन जी टू सेम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक कंटेनर टेम्परेचर देगा और दूसरा कंटेनर टेम्परेचर लेगा, या सुनो। तो जहां हीट हमेशा कहां फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर या लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो दोस्तों इस जगह हमेशा पहले टेम्परेचर निकालेंगे। तो यहां स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा, फाइंड टी रिजल्टेंट, टी रिजल्टेंट आपको पहले टी रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, फिर आगे के काम करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो कैसे हम पी टी रिजल्टेंट निकालेंगे इस जगह जब हमारे पास, तो हाँ बेटा, तो हम हमारे पास यहां पर थोड़ा सा वर्क करेंगे। तो बच्चों यहां जब टेम्परेचर रिजल्टेंट निकालना है, टी रिजल्टेंट, तो टी रिजल्टेंट निकालते वक्त आप ऐसे करेंगे, एक मान लीजिए आपके पास यहां एन वन मोल है या एन टू मोल है, तो कैसे निकालेंगे, एन वन टी वन प्लस एन टू टी टू अपॉन एन वन प्लस एन टू, इस तरह से करेंगे हम।
ये कंसेप्ट मैंने थोड़ा सा फिजिक्स से लिया है, जिसमें मैंने कहा पढ़ता हूँ इक्विपार्टीशंस कंसेप्ट्स ऑफ एनर्जी, वहां से लेके आया हूँ एन वन टी वन प्लस एन टू टी टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। अब एन वन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिख दो पी वी अपॉन आर टी, आप जानते हो। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन टी की वैल्यू ही निकालो, पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो पी वन वी वन अपॉन आर हो गया, एन आर टी होता है, तो एन टी की वैल्यू 10। एन टी टी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी टू वी टू अपॉन आर डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ रहा है एन वन प्लस एन टू, यानी पी वन वी वन अपॉन आर टी वन प्लस पी टू वी टू अपॉन आर टी टू। इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशंस आसान है, आर क्रॉस हो जाएगा, सिर्फ टी वन टी टू एलसीएम लेंगे, यहां आएगा तो मेरे पास ये आ जाएगी पी वन वी वन प्लस पी टू वी टू डिवाइडेड बाय पी वन वी वन टी टू, और नीचे क्या रहेगा पी टू वी टू टी वन, और नीचे एलसीएम क्या लिखा आपने, आर तो क्रॉस ही हो चुका है, आर तो हर जगह से क्रॉस हो चुका है, तो नीचे रहेगा टी वन टी टू, तो वो मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं टी वन टी टू, ये फाइनल टेम्परेचर हो गया। बोलो यस और नो। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, हमारे पास फाइनल टेम्परेचर आ चुका है, नेक्स्ट फाइनल प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर फाइनल आ चुका है हमारे पास, या रिजल्टेंट टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, और वो है हमारे पास ये, तो प्रेशर कैसे निकालेंगे हम, प्रेशर फाइनल निकालने के लिए एन आर टी अपॉन वी, यहां सब चीजें फाइनल ही आएगी, फिर एन आर टी सब चीजें फाइनल आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास पूरा रहेगा पी फाइनल इक्वल टू एन आर टी 10। तो आप मुझे बताएं इस जगह एन फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन वन वी वन, वैसे देखा जाए तो एन वन प्लस एन टू, आर तो आर ही रहने दीजिए, टी फाइनल आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, बाद में लिखेंगे एक साथ, और V फाइनल क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, N1 की वैल्यू लिख सकते हैं आप इस जगह, N1 की वैल्यू क्या होगी P1 V1 अपॉन RT1 प्लस P2 V2 अपॉन RT2 मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T फाइनल, और T फाइनल आप पहले ही निकाल चुके हो, T फाइनल आपके पास क्या है P1 V1 प्लस P2 V2 टी वन टी टू अपॉन पी वन वी वन टी टू पी टू वी टू टी वन, सही है। नेक्स्ट डिवाइडेड बाय वी वन प्लस वी टू, ये आपके पास कैलकुलेशंस रहेगी। अब क्या चीज आप क्रॉस कर सकते हो, यहां पर आर क्रॉस कर सकते हो, ये आर आर कॉमन लेके ये आर से क्रॉस हुआ, इज दैट क्लियर। और क्या कर सकते हो, वी वन वी टू कहीं कॉमन आ रहा है, कुछ ऐसी चीज आ रही है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये बात जरूर आ रही है कि आप यहां पर पी वन वी वन है, यहां पर भी पी टू वी टू है, ठीक है, यहां मल्टीप्लाई है, याद रखेगा। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा पी वन वी वन प्लस पी टू वी टू, और यहां पर टी वन टी टू है, तो एलसीएम ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा पी वन वी वन टी टू पी टू वी टू टी वन, तो ये भी कट जाएगा पूरा, किससे कटेगा इससे, और ये टी वन टी टू से कट जाएगा। तो अब आपके पास वही आ जाएगा, क्या आ रहा है आपके पास,
सही है, लिखें इसको। तो इस तरह से हमारे पास ये दो केस हो गए। लेकिन आपका थर्ड केस है कि अगर सर हमारे पास यहाँ पर गैसेस सेम ना हो तो हम क्या करेंगे? अभी तो हमने दोनों गैसेस क्या मान रखी है, सेम। तो जब भी दो गैसेस सेम है तो आपके पास सीधा लिख सकते हो पी वन वी वन प्लस पी टू वी टू डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू, अगर सेम गैसेस हैं तो। नहीं है तो क्या करेंगे, वो केस थर्ड बनाएंगे अपन। केस थर्ड केस ले रहे हैं, अगर दोनों का गैस ही अलग अलग है तो यहां आपको मोलर हीट कैपेसिटी दी जाएगी सीवी वन और यहां पर दी जाएगी सीवी टू, और गैसेस अलग अलग है, समझ में आ रहा है? तो सीवी की वैल्यू अलग अलग हो रही है। मैं आपको कुछ गैसेस ले रहा हूं क्योंकि क्लोज की तरह काम करेगा, उनकी सीवी ले रहा हूं। गैस अगर हीलियम है और एक डाई एटॉमिक है और एक ट्राई एटॉमिक है, लाइक NH3 या कुछ भी या CH4 जनरली, तो इन सब के लिए O2 N2 H2 इन सबको एक कैटेगरी में रखते हैं, इन सबको एक कैटेगरी में रखते हैं। इसके लिए सी वी की वैल्यू होती है सी वी 3/2 R, इसके लिए होती है 5/2 R, इसके लिए होती है 6/2 R यानी 3 R। सी वी मालूम पड़ गया, सी वी है क्या यहाँ पर, मोलर हीट कैपेसिटी यानी इट इज द रिक्वायर्ड हीट टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, क्या आप जानते हो ये? हाँ। अब क्योंकि दोनों जगह का टेम्परेचर सेम नहीं है तो पहले टेम्परेचर फाइनल कैसे निकालेंगे? यहां टेम्परेचर फाइनल निकालना बहुत जरूरी है। तो यहां स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा आपके पास, सुनिए पहले समझ लो फिर लिख लेना एक साथ। स्टेप फर्स्ट, हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, समझ में आ रहा है? दूसरा स्टेप सेकंड, एक ने हीट रिलीज करी और एक ने हीट एब्जॉर्ब करी, उनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे, लिबरेट और एब्जॉर्ब। मान लीजिए यहां पर T1 T2 से बड़ा है, कोई एक को तो लेना पड़ेगा, T1 T2 से बड़ा है, ठीक है? तो यहां लिबरेट कौन करेगा, T1 वाला, और एब्जॉर्ब कौन करेगा, T2। तो यानी कि हीट कहां फ्लो करेगी, इस तरह क्यू हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताइए एक तरह से हमारे लिए क्यू दोनों तरफ सेम होगा, तो हाँ क्यू एनर्जी है, तो यहां लगता है एन सी वी डेल्टा टी, ये फर्स्ट कंटेनर के लिए एन सी वी डेल्टा टी सेकेंड कंटेनर के लिए बराबर होगा। मैंने 1000 रुपए दिए, आपने 1000 रुपए दिए लिए, दोनों बराबर हैं, क्या बराबर है दोनों का, मैग्नीट्यूड या साइन, मैग्नीट्यूड। मेरे साथ क्या साइन आएगा, जो दिया उसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस, जो लिबरेट करता है उसमें क्या होता है माइनस, और जो एब्जॉर्ब करता है वो क्या होता है प्लस, इज दैट क्लियर? तो जब भी मैं अपना थोड़ी सी मैथ्स अच्छी है, जब भी लिबरेट होता है तो मैं इनिशियल माइनस फाइनल करता हूँ, और जब एब्जॉर्ब होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये हर जगह लगता हूँ, तो मैं बहुत तेज स्पीड कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा साइन का ध्यान नहीं रखना पड़ता। तो मान लीजिए यहाँ पर n मोल है, कितने मोल है, n1 है, CV1 दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है तो हम आइडिया लगा लेंगे कौन सी गैस है, गैस तो दी जाएगी आपको n1 CV1। डेल्टा टी को कैसे देखोगे आप, T1 माइनस, क्योंकि लिबरेट कर रहा है तो इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल कितना है T1 और फाइनल क्या है रिजल्टेंट, जो फाइनल टेम्परेचर आएगा। हीट तब तक फ्लो होती रहेगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना आ जाए, ये की पॉइंट लिखना पड़ेगा हमें। क्या रहेगा, हीट फ्लो, वैसे लिखा है हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर टिल, यही लिख लो टिल इक्वल टेम्परेचर,
टिल बिकम इक्वल टेम्परेचर, यहां पर बन जाएगा आपके पास बोथ कंटेनर गेट सेम टेम्परेचर। तो आपको ये चीज समझ में आ गई, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होगा तब तक हीट फ्लो रहेगा। अब बताइए इसके लिए तो इनिशियल माइनस फाइनल करा क्योंकि लिबरेट है, इसके लिए क्या करोगे? एन टू सी वी टू, इनिशियल माइनस फाइनल करोगे या फाइनल माइनस इनिशियल? फाइनल माइनस, तो फाइनल क्या होगा? रिजल्टेंट माइनस इनिशियल। आप आर को रिजल्टेंट की जगह फाइनल भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो फाइनल, टी फाइनल या टी रिजल्टेंट, दोनों का मतलब सेम ही। आ गई बात समझ में? अब बेटा ये लिबरेट कर रहा है तो फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल बिल्कुल दोनों सेम होगा, और ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्योंकि दोनों की हीट कैपेसिटी अलग अलग है। समझ में आ रहा है? सीवी की वैल्यू अलग अलग है तो आप कुछ और नहीं कर सकते। हाँ उसी से निकालेंगे हम आगे, अभी तो अपन पहले ये निकालना पड़ेगा कि टी फाइनल क्या होगा। तो ये टी फाइनल निकल जाएगा इस इक्वेशन से। क्या आपको एन वन एन टू मालूम है? हाँ देखो एन वन आपको डायरेक्ट नहीं दिए लेकिन इनडायरेक्ट तो दिए। एन वन की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी वन वी वन अपॉन आर टी वन, सी वी की वैल्यू सी वी वन टी वन माइनस टी फाइनल। कैलकुलेशन तो लंबी होगी। और यहां क्या हो जाएगा? एन टू, एन टू की वैल्यू है पी टू वी टू अपॉन आर टी टू सी वी टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। यहां फाइनल माइनस इनिशियल, यहां इनिशियल माइनस फाइनल। तो इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू है जो नहीं दी गई है? आपको पी वी टी, पी वी टी सब दिया हुआ है। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? अब आपने यहां से क्या निकाल दिया? टी फाइनल निकाल दिया। थोड़ी सी कैलकुलेशंस टफ है लेकिन निकाल लोगे। टी फाइनल आ चुका है आपके पास। अब टी फाइनल आने के बाद तो आप सब कुछ कर सकते हो। ये टी फाइनल निकालने के बाद आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी पी फाइनल के लिए। पहले टी फाइनल निकलेगा फिर पी फाइनल निकलेगा। पी फाइनल इक्वल टू एन आर टी, एन फाइनल टी फाइनल एन आर टी बाय वी। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन वन प्लस एन टू। आर की वैल्यू आर, टी फाइनल हम निकाल चुके हैं इतनी कैलकुलेशंस करने के बाद, अपॉन वी फाइनल। वी फाइनल क्या रहेगा आपके पास? वी वन प्लस वी टू। क्या एन वन आपको डायरेक्ट दिया था? नहीं दिया था आपने, पहले वी एन वन एन टू तो निकाल ही लिया था। कैसे निकाला था? पी वन वी वन अपॉन आर टी वन प्लस पी टू वी टू अपॉन आर टी टू मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी एफ वी वन प्लस वी टू। ये हो गया आपका टोटल कनेक्टिंग कंटेनर कॉन्सेप्ट। देखो फ्लो जो होता है ना, भले कंटेनिंग कंटेनर की बात करें या कहीं पे भी, फ्लो होता है दो तरह का, एक होता है हीट का एक होता है मास का। दोनों अलग अलग चीज़ों की वजह से होता है। जो मास होता है यानी पार्टिकल फ्लो करते हैं वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर करते हैं, उससे मतलब ही नहीं है टेम्परेचर का क्या है। और जो हीट फ्लो करती है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ करती है, उसे मतलब ही नहीं है कि प्रेशर क्या है। एज्यूम करिए कि मेरे पास दो रूम है जो जुड़वा है, बस दरवाजा है बीच में, दरवाजा लगा हुआ है। एक तरफ टेम्परेचर 300 केल्विन है, एक तरफ 500 केल्विन है। समझ में आ रहा है? अचानक दरवाजा खोल दूंगा तो बताओ एयर ए से बी की तरफ जाएगी या बी से एयर? तो आप आंसर मत दो, आपका आंसर ये होना चाहिए सर प्रेशर क्या है दोनों तरफ। एयर का जो फ्लो होता है वो प्रेशर की वजह से होता है। अगर आपने नहीं बताया प्रेशर क्या है तो फिर हम बाय डिफॉल्ट ये मान लेते हैं जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां प्रेशर ज्यादा है, उसी हिसाब से दे रहे हैं आंसर। तो डिफॉल्ट मान लिया ना आपने, जरूरी नहीं है टेम्परेचर ज्यादा हो प्रेशर ज्यादा हो, क्योंकि वॉल्यूम और मोल का भी रोल होता है। सही है? तो वो तो आपने डिफॉल्ट मान लिया केस, जबकि डिफॉल्ट में हमेशा आंसर आधा अधूरा सही होता है।
यही हाल हीट का है, हीट हमेशा फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, उसे प्रेशर से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर टेम्परेचर दिया है तो बेस्ट आंसर उसी से निकलेगा, नहीं दिया है, प्रेशर दिया है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जहाँ प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लेकिन ये हमेशा सही बात नहीं है, वो तो हमने एजम्पशन लिया है। फिर कोई डाउट? तो यहाँ जब इस तरह का कंटेनर था तो हीट 100% हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, और वो अमाउंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर। कोई डाउट? मान लीजिए इधर टेम्परेचर ज़्यादा है और इधर प्रेशर ज़्यादा है, तो हीट तो इस तरह करेगी और प्रेशर इधर ज़्यादा है तो मास इस तरह से जाएगा। समझ में आया? तो ये कनेक्टिंग कंटेनर के बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। ये जो मैंने बल्ब की शेप लिया है, इसको मैं स्क्वायर क्यूब कुछ भी बना दूं, समझ जाना कोई फर्क नहीं पड़ता शेप का, ठीक है ना? इसको मैं छोटी सी टेस्ट ट्यूब जैसे ही बना दूं, बीकर बना दूं, जार बना दूं, कुछ भी बना दूं, साला कर लेना, परेशान मत करना, ठीक है ना? ओके, तो ये हमारे पास ला कनेक्टिंग कंटेनर कॉन्सेप्ट्स।